सीधे चलेंगे बागपत, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री श्री केपी मलिक जी, हमारे नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनमें बारह के श्री महंत कृष्णनाथ जी, 18 के श्री महंत समुद्रनाथ जी, जूनागढ़ गुजरात और पेवा हरियाणा दोनों जगह पर श्री महंत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, बेग बारा पंथ योगी महासभा नाथपंथ से जुड़े हुए और खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी हमारे योगी सन्यासी और पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री महंत योगी अर्जुननाथ जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित सभी माताएं, नौजवान साथियों, बागपत की धरती महाभारत कालीन धरती के रूप में जानी जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत भी एक था, और इसी जनपद के इस बड़ौद क्षेत्र में आज बाबा गोरखनाथ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ इस भव्य सभागार में प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए योगी अर्जुन नाथ जी को और उनके साथ के सभी योगेश्वर जितने श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 2 दिन पूर्व विजयादशमी के महापर्व को पूरे उत्साह उमंग के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में उसको संपन्न किया है। भारत के अंदर पर्व और त्योहारों की जो परंपरा है वो उत्साह उमंग की है। इसमें शोक के लिए कोई जगह नहीं है, दुख के लिए कोई जगह नहीं है, उत्साह उमंग के लिए है। हमने सकारात्मक सोच के साथ भारत की परंपरा को सदैव एक सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। यह भारतीय ऋषि परंपरा की साधना और सिद्धि का परिणाम है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, परिणाम अच्छा ही आएगा, और उस अच्छे के लिए ही ये सब कार्य हुए हैं। सत्य, धर्म और न्याय की विजय का पर्व है विजयादशमी। प्रभु श्री राम की रावण पर विजय के फलस्वरूप पूरे भारतवर्ष में, दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है वह इस पर्व और त्योहार के साथ जुड़ करके इस उत्साह और उमंग का आनंद लेता है। इस धरती का यह सौभाग्य है, इसने भारत के इतिहास को बनाया है, भारत के इतिहास को बनते हुए देखा है, उसके साथ आगे बढ़ा है। याद करिए 5000 वर्ष पहले जिस धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे और जिसमें से एक गांव आपका जनपद भी है, ये वही धरती है
जब कौरव ने मना कर दिया कि नहीं, हम दुर्योधन ने कहा कि नहीं, 5 गांव तो दूर, 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो महाभारत भी हुआ था। महाभारत के बाद महाभीषण संग्राम हुआ। उस महायुद्ध के बाद जो जनधन की हानि हुई, मानवता पूरी तरह लौलुहान हो चुकी थी, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपराएं एक प्रकार से नष्ट सी हो गई थी, तब भगवान वेदव्यास ने जो स्वयं अब इस पूरे युद्ध के दृष्टांत थे, उनके सामने सारी घटनाएं घटित हुई थी, उन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य के रूप में एक ग्रंथ भी रचा और भारत का इतिहास है। और उस कालखंड में उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित दुनिया में जहां कहीं भी कुछ है वह सब इस ग्रंथ में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह नेत्र कहीं नहीं। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित। जो यहां नहीं वह नेत्र कहीं नहीं, यह भारत का ही कोई ऋषि कर सकता है, ये दावा कोई ऋषि ही इस बात की कर सकता है, यानी जो मैं लिख रहा हूं वही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वो सब इसमें है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा, ये भारत का कोई ज्ञान होगा क्या। और कहते हैं कि जो उनकी अंतिम रचना थी वह थी श्रीमद् भागवत महापुराण। उन्होंने वेदों को एक संयोजन किया, सर्वसुलभ बनाने की का रास्ता प्रशस्त किया, 18 पुराण रचे, भारत की पौराणिक व्यवस्था को लिपिबद्ध करने का कार्य भी किया, और महाभारत युद्ध के बाद सबसे पहले जब उस उलझन में थे जिनके सामने पूरा कुरु वंश नष्ट हो गया हो, कितने व्यथित उनका मन रहा होगा, उनका अंतःकरण रहा होगा, और इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उनको करनी पड़ी थी स्वयं की शांति के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए और आने वाले मानवता के कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा एक ज्ञान यज्ञ भी है, क्योंकि यह मोक्ष से जुड़ी हुई कथा है, मुक्ति से जुड़ी हुई कथा है। हम धाम दर्शन करने जाते हैं इसलिए जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके, हम लोग तीर्थों में जाते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके, हम कोई दान करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके, हम कोई यज्ञ करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। मुक्ति मोक्ष का ही पर्याय है, और मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब जिस संकल्प के साथ हम पढ़े हैं उसमें पारंगत होना, पास हो जाना। अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति के लिए मुक्ति की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। एक सन्यासी के लिए जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाना, एक सद्ग्रस्त के लिए उसके द्वारा किए गए सब कर्मों का अच्छा फल उसे प्राप्त हो जाए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा काम उसने किया है उसका प्रमोशन समय पे हो जाए, एक विद्यार्थी के लिए
उसने मेहनत की तो उसकी मेहनत का परिणाम उसके अनुकूल आ जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने थे आप, वो कह रहे थे एक व्यक्ति के लिए उसकी मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है और किस तरीके से एक व्यक्ति को आगे मदद करनी चाहिए उसकी जानकारी भी वो दे रहे थे और प्रयास भी लगातार है।